Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video, we will be covering the 6th chapter of ACCA F5 and the name of the chapter is Planning with Limiting Factors. So guys, इस chapter का मैं तुम्हारे को थोड़ा सा base बताता हूँ. हालांकि ये चीज़ें हमने काफ़ी बार पढ़ी हुई हैं, but just an example I'll tell you. जैसे ये chapter किस इसका crux क्या है, जैसे there are 3 products A, B, C, हम ये बनाते हैं. जब मैं तुम्हें क्रक्स बताऊंगा तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर, ये चीज़ हमने पहले भी इसी सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है. तो सेम चीज़ यहाँ पे है. देर आर 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी जो हम बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जो मार्केट में ए की डिमांड है दैट इज़ 10,000, बी की 6,000 एंड सी की 8,000. जस्ट एन एग्जाम्पल, ये डिमांड है. सो पॉइंट ये है कि हम टोटल सेल तो इतनी कर सकते हैं. अब लेट से जस्ट एन एग्जाम्पल, मटेरियल रिक्वायर्ड, जस्ट रफ एग्जांपल, इसमें चाहिए हमें 1 लाख यूनिट्स, जो भी मटेरियल है. इसमें चाहिए लेट से 70,000 और इसमें चाहिए 60,000. लेट से वी नीड दिस नंबर ऑफ मटेरियल. तो टोटल मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो गई? दिस इज 2,30,000 यूनिट्स मटेरियल के, इतनी रिक्वायरमेंट है. बट अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है दैट इज़ ओनली 2 लाख. मतलब टोटल यूनिट्स जो हमें मिल सकते हैं मटेरियल के, वो सिर्फ 2 लाख ही मिल सकते हैं. तो इन दैट केस हम कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए, कौन सा बाद में बनाए? तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस, हम वही प्रोडक्ट पहले बनाएंगे जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा. जिस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, ऑब्वियसली वो क्यों पहले बनाएंगे, पैसे ही नहीं उससे कमा के. कौन जो हमें देगा, हम सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा यूज़ उसी का करेंगे. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है. उसके बाद हम उसकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ए का था, देन बी का, देन सी का. तो सबसे पहले हम सारे यूनिट्स ए के बनाएंगे, देन सारे यूनिट्स बी के बनाएंगे. अब 70 और 60 ए और बी में यूज़ हो गए, दैट मीन्स 1,30,000 यूनिट्स हमारे यूज़ हो चुके हैं. तो टोटल 2 लाख यूनिट्स अवेलेबल थे, 130 यूज़ हो गए, तो बैलेंस रहेगा 70,000. इतने ही यूनिट्स हम यहाँ पे लाके जितनी सेल्स होगी उतने यूनिट्स बना देंगे. ये इस चैप्टर का एक क्रक्स है, दैट इज़ प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, कि हम कैसे प्लान करें अपनी टोटल सेल्स को ताकि जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हमारे प्रॉफिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हों. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर का मैं तुम्हें काम करता हूँ. सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसमें थ्योरी है, तो थ्योरी गाइस पढ़ लेना, थ्योरी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले कराई हुआ है. मेन है इसमें यहाँ पे स्टेप्स, पहले मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ और उसका फिर हम क्वेश्चन करेंगे. अब इफ़ देयर इज़ 1 लिमिटिंग फैक्टर, एक ही लिमिटिंग फैक्टर हो, देन द प्रॉब्लम इज़ बेस्ट सॉल्व यूजिंग की फैक्टर एनालिसिस. कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिसोर्स स्केयर्स है, दैट मीन्स कौन सा हमारा लिमिटिंग फैक्टर है. सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट. उसके बाद हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे पर यूनिट किसका है. इससे हमें डिसीजन नहीं लेना, हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिसीजन नहीं लेंगे. हम लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केयर्स रिसोर्स, के स्केयर्स रिसोर्स जितने हमारे पास हैं उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमारी यहां से निकलेगी रैंकिंग. कंट्रीब्यूशन पर स्केर्स यूनिट से हम निकालेंगे अपनी रैंकिंग और उसके बाद एलोकेट रिसोर्सेज यूजिंग दिस रैंकिंग एंड आंसर दी क्वेश्चन. इस तरह से हम करेंगे. तो पहले हम लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. वो निकालने के बाद हम रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्शन करेंगे. सो लेट्स डू दिस अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1. सो गाइज, ये है हमारा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1. एक्स लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ऑफ विच यूनिट कॉस्ट मशीन आवर्स एंड सेलिंग प्राइसेस आर एज फॉलोज. मशीन आवर्स ए बी सी के इतने हैं, डायरेक्ट मटेरियल इतने यूनिट्स हैं, इतने केजी हमें चाहिए, डायरेक्ट लेबर इतनी है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है, मार्जिनल कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस ये है. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. दिस इज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सेल्स डिमांड फॉर द पीरियड इज़ लिमिटेड एज, के टोटल सेल्स ए की इतनी है, बी की इतनी, सी की इतनी.
दिस इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये नहीं मैं कह रहा कि सेल्स डिमांड इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, सेल्स कह रहे हैं कि टोटल ए की मैक्सिमम इतनी सेल हो सकती है, बी की इतनी, सी की इतनी। कपरी पॉलिसी इज़ टू प्रोड्यूस मिनिमम 1000 यूनिट्स ऑफ ए, कि भैया ए के 1000 यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वो ना बनाएं। द सप्लाई ऑफ मटीरियल इन द पीरियड इज़ अनलिमिटेड, मटीरियल का सप्लाई अनलिमिटेड है, दैट मीन्स मटीरियल इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। बट मशीन आवर्स आर लिमिटेड टू 2 लाख एंड डायरेक्ट लेबर आर लिमिटेड टू 5000 आवर्स। मतलब दो चीज़ों की हमें बताई हुई है कि इतनी इनकी लिमिट्स है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इतने यूनिट्स में टोटल मशीन आवर कितने लगेंगे और टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी लगेंगी। अगर हमारी ये दोनों डायरेक्ट लेबर और मशीन ऑलरेडी अवेलेबल जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा है तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया, फिर तो सारे बना लेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं इसमें निकालता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है। तो पहले लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा लिमिटिंग फैक्टर है क्या। तो मैं निकालता हूँ इसमें अच्छा मटेरियल तो लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, वाई एम आई कैलकुलेटिंग मटेरियल। हमारा है मशीन आवर्स, तो टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पहले ये देखते हैं, ए बी सी। ए के टोटल हमें बनाने 4000, बी के हमें बनाने 6000, सी के बनाने 6000। मशीन आवर्स ए का है 10, बी का है 12, सी का है 14, दैट मीन्स 40000। ये आ जाएगा 72000, 14 6 84000। सो दैट मीन्स टोटल जो हमारे मशीन आवर रिक्वायर्ड है दिस इज 40 प्लस 72000, अच्छा 40 प्लस 72 प्लस 84 दैट मीन्स 1,96,000 इतने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं और अवेलेबल हमारे पास 2 लाख हैं। दैट मीन्स अवेलेबल मशीन आवर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, चाहिए कम है ज़्यादा, दैट मीन्स मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग तो हम सारे यूनिट्स बना सकते हैं। तो चलो मशीन आवर इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम चेक करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर। सो टोटल डायरेक्ट लेबर आर्स रिक्वायर्ड, तो टोटल डायरेक्ट लेबर्स आर रिक्वायर्ड ए बी सी, यूनिट्स हमें बनाने हैं 4000 6000 एंड 6000। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ए में कितनी लगती है, डायरेक्ट वेजेस 1.2 आवर्स, प्रोडक्ट बी में 0.8 आवर्स, प्रोडक्ट सी में 0.4 आवर्स। तो अब देख लेते हैं 4000 × 1.2, तो दिस इज एक सिंगल गाइस कैलकुलेटर मैं थोड़ा सा इधर रख लूँ, मुझे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है। सो 4000 × 1.2 दैट इज 4800, 6000 × 0.8 दैट इज अगेन 4800 और 6000 × 0.4 दैट मीन्स 2400। सो टोटल जो मुझे आवर्स चाहिए दैट मीन्स 4800 + 4800 + 2400, मुझे चाहिए टोटल 12000 आवर्स। कितने चाहिए, 12000 आवर्स, और अवेलेबल मेरे पास हैं सिर्फ 5000 आवर्स। सो मुझे पता लग गया जो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर इज़ माई लिमिटिंग फैक्टर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे साथ 6, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर ए बी सी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 डिवाइड बाय, इसमें चाहिए 1.2, इसका है 5 डिवाइडेड बाय 0.8, इसका है 4 डिवाइडेड बाय 0.4। सो दैट मीन्स 6 डिवाइड बाय 1.2, सो ये आता है मेरा 5, 5 डिवाइड बाय 0.8 6.25, और वो आता है 4 डिवाइड बाय 0.4 दैट इज़ 10।
सो दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर सबसे ज़्यादा सी का है, तो रैंकिंग सी की होगी 1, देन बी, देन ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बात बताता हूँ, क्वेश्चन में एक चीज़ बोली हुई है कि ए के हमें इतने यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं, ए के हमें 1000 यूनिट्स तो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हम बनाएंगे प्रोडक्शन, ए के हमें बनाने हैं 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट जब ए के बनाएंगे सो दैट मीन्स ए के 1000 यूनिट्स, इसमें कितने लेबर आर लगते हैं, 1.2, दैट मीन्स 1200 आर्स तो हमारे ऑलरेडी यूज़ हो गए, 5000 में से 1200 यूज़ हो गए, कितने बचे 3800 बैलेंस। सबसे पहले हमें सी के सारे यूनिट्स बनाने हैं, तो सी में हमें लेबर आर चाहिए कितने थे टोटल, 2400, हमारे पास अवेलेबल कितने 3600, तो मतलब सी के हम सारे बना सकते हैं, तो सी के हमें बनाने हैं 6000 यूनिट्स, और सी का जो हमारा आवर्स है दैट इज़ 0.4, दैट मीन्स 2400 हमने आवर सी में लगा दिए, तो 38 माइनस 24 दैट मीन्स 1400 आवर्स ही बचे हमारे पास। आगे बी के सारे बनाने के लिए हमें चाहिए 4800 आवर्स, सेकंड रैंकिंग वॉज फॉर बी, बी के बनाने के लिए हमें चाहिए थे 4800 आवर्स, बट बी के लिए बचे ही सिर्फ 1400 आवर्स हैं, दैट मीन्स बी के कितने यूनिट्स बनेंगे हमारे, हमें चाहिए 1400 इंटू बी का जो रेट है दैट इज़ 0.8, सो अगर 0.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.8 इससे डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 1400 डिवाइड बाय 0.8 दैट मीन्स 1750, तो 1750 यूनिट्स हमें बी के बनाने पड़ेंगे। तुम बोलोगे कि सर जब बी के यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी आवर्स थे, हमने ए के 1200 आवर्स क्यों यहाँ लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए तो हमें बनाना ही बनाना है, तो जब ए बनाना ही बनाना है तो ए के तो आवर्स इतने लगेंगे, तो 5000 में से पहले तो ए के माइनस कर देता हूँ मैं, तो बचे 38। सी के टोटल 6000 में लगते थे 2400 आवर्स, तो सी के पूरे प्रोडक्ट मैंने बना दिया, बचे जो बैलेंस है उससे मैं बी के यूनिट्स बनाऊंगा। सो अब मेरा निकलेगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विद वन लिमिटिंग फैक्टर, एक लिमिटिंग फैक्टर से कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। सो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है, ये रहा, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब मैंने नहीं निकाला, इन्होंने दिया हुआ है। ए के यूनिट्स बनेंगे 1000, तो 1000 इंटू 6 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, $6। बी के यूनिट्स में बना रहा हूँ 6000, तो 6000 इंटू 5 दैट इज 30000। सी के मैं बना रहा हूँ टोटल 1750 इंटू 4 दैट मीन्स 7000। सो टोटल जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दैट विल बी, ओहो गाइस मैंने ये अमाउंट गलत लिख दिया, सॉरी आई रोट लेस अमाउंट। ए के मैं बना रहा हूँ 1000, तो ए के हो जाएंगे 6000। ये मैं सी के बना रहा हूँ, सी के 6000 है, बी के 1750, तो सी के 6000, तो 6000 इंटू 4 24000, 1750 बी का है 5, तो 1750 इंटू 5 दैट इज 8750। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स 38750, दिस विल बी माई मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल है गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। एक चीज़ तुम माइट भी सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे आप 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस पॉइंट इज आई एम यूजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आई एम नॉट यूजिंग नंबर ऑफ आवर्स। अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स लिखता यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आवर्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर आवर, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर आवर से मल्टीप्लाई करता। दिस पॉइंट इज जो मैंने निकाला था, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर आवर, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मैंने यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए कि इतने यूनिट्स बनाने, तो यूनिट्स इनटू उनका कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा इतना आएगा। कोई भी डाउट हो यू कैन वॉच दिस क्वेश्चन रिवाइंड करके एक बार दो बार तीन बार, लेकिन बार बार देखोगे तब तक जब तक ये क्वेश्चन तुम्हारे
दिल में नहीं बस जाता, दिमाग में नहीं घुस जाता, ठीक है। यू हैव टू लव दिस क्वेश्चन, मज़ा आता है, अगर मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखो गाइस। तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं आगे क्या क्या है। ये हो गया, सो द वैल्यू ऑफ एडिशनल रिसोर्स। सो गाइस जो दैट इज वैल्यू ऑफ एडिशनल रिसोर्स। सो हालांकि ये टॉपिक जो है ये इस चैप्टर में आगे है, दैट इज शैडो प्राइस, वहाँ पे हम करेंगे, बट इसका थोड़ा सा मैं तुम्हें क्रक्स बता देता हूँ। इसका क्रक्स क्या है, जैसे तुम कहोगे सर आप हर चीज़ का क्रक्स बताते हो, तो हमें क्रक्स ही तो जानना है ना। क्रक्स जानेंगे तभी तो डिटेल में पढ़ के फ़ायदा है, अगर हमें क्रक्स ही नहीं पता किसी चीज़ का तो डिटेल में पढ़ के फ़ायदा क्या है। सो वैल्यू ऑफ एडिशनल रिसोर्स का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि लिमिटिंग फैक्टर थे हमारे लेबर आवर, दैट वॉज 5000 आवर्स, और हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आया था 38750। अब उसमें हमने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ए के बनाए थे, इतने बी के एंड इतने सी के। अब पॉइंट ये है, अगर मान लो हमें एडिशनल लेबर आवर मिलते हैं, जैसे सपोज वन एडिशनल लेबर आवर बिकम अवेलेबल, कि हमें एक एडिशनल लेबर आवर अवेलेबल होता है, तो हाउ मच अमाउंट वी आर विलिंग टू पे फॉर दैट। एक एडिशनल लेबर आवर हमें अगर चाहिए, हम कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इसका मैं सिंपल तुम्हें लॉजिक क्या बोलूँगा, फॉर वन एडिशनल आवर हाउ मच अमाउंट यू कैन पे। एक तो जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट तो तुम दोगे ही दोगे, जो पुराने क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट हमारी थी 7.50 पर आवर, इतनी तो कॉस्ट तुम दोगे दोगे, प्लस उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, अगर तुम देखो, सो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर वॉज 6.25। तो दैट मीन्स लेबर कॉस्ट है 7.50 और कंट्रीब्यूशन है 6.25, सो दैट मीन्स टोटल तुम 13.75 तक एडिशनल एक्सपेंस कर सकते हो अपने यूनिट बनाने के लिए। अब तुम बोलोगे कि सर लेबर कॉस्ट भी हम दे रहे हैं, जो प्रॉफिट हमें होता है अगर हम वो भी अमाउंट पे कर देंगे तो हमें प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं। प्रॉफिट कहाँ से बचेगा, क्योंकि यही तो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर लेबर आवर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ही हम दे देंगे टोटल में तो हमारा प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं। कई बार क्या होता है गाइस कि प्रॉफिट भले ही ना हमें बचे, पॉइंट इज हम ये देखते हैं कि हमारी सेल्स तो बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट होगा, ज़्यादा माल आएगा, ज़्यादा सेल होगी तो उससे भी हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। प्लस आई एम नॉट टेलिंग कि हम इतना ही अमाउंट देंगे, दिस इज दी मैक्सिमम अमाउंट वी कैन पे टू गेट वन एडिशनल आवर। एक एडिशनल आवर के लिए हम मैक्सिमम इतना अमाउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, इससे कम होगा तो हमारे लिए बेटर ही रहेगा। तो ये हालांकि हमें आगे करना है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे इसका क्रक्स बता दिया है, बाकी पॉइंट में आगे कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अगर हमारे बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, उस केस में हम कैसे अपना आंसर निकालेंगे। अब देयर आर लॉट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब तुम कहोगे सर एक लिमिटिंग फैक्टर में तो आपने इतना बड़ा क्वेश्चन कराया था, तो लॉट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में तो भाई अब तो ख़त्म होने वाले हालात हैं, बट ऐसा नहीं है, ये हम चार्ट के थ्रू करेंगे। सो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं पहले इसकी। व्हेन देयर इज ओनली वन स्कैर्स रिसोर्स द मेथड अबव कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउएवर वेयर देयर आर टू और मोर रिसोर्सेज इन शॉर्ट सप्लाई विच लिमिट द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज, देन लीनियर प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन। इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मिनिमाइज कॉस्ट। तो करते कैसे हैं हम यहाँ पे, देखो अब इसका क्वेश्चन क्या है, ये एक स्टेप्स हैं इसके, तो स्टेप्स करने का इसका गाइस सबसे बड़ा तरीका क्या है, हम सीधा सीधा इसका क्वेश्चन देखते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स इन थ्री डिपार्टमेंट्स, डिटेल्स आर शोन बिलो रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। डिपार्टमेंट ए टोटल इतने आवर्स लगते हैं, डिपार्टमेंट बी में इतने टोटल अवेलेबल आवर इतने हैं, डिपार्टमेंट बी इतने आर अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट सी इतने आर अवेलेबल हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे ये है। देयर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स
बट डिमांड फॉर प्रोडक्ट वाई इज़ लिमिटेड टू 600 यूनिट्स पर एनम, के वाई की जो डिमांड है दैट इज 600 यूनिट्स पर एनम, कि एक्स की तो कोई डिमांड ही नहीं, एक्स तो हम जितना मर्जी बना लें, प्रोडक्ट एक्स तो जितना मर्जी बना लें, लेकिन प्रोडक्ट वाई की मैक्सिमम डिमांड है दैट इज 600 यूनिट्स पर एनम. डिटरमाइन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. सबसे पहले काम करते हैं हम रैंकिंग देखते हैं कि पहले अब जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर एक्स में इतने वाई में इतने हर डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट वाइज एक बार हम टोटल देखते हैं. सो डिपार्टमेंट ए में एक्स में लगते हैं इतने आवर्स. सो पहली बात है 4/8 दैट मीन्स 0.5 एक्स के, और 8/10 दैट मीन्स 0.8 वाई के. तो रैंकिंग पहले वाई की आएगी इस केस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्स. तो डिपार्टमेंट ए के अकॉर्डिंग पहले वाई बनाएंगे देन एक्स, ठीक है. डिपार्टमेंट बी में 4/4 दैट इज 1, 10/ दैट मीन्स 0.8. अब इसके अकॉर्डिंग पहले रैंकिंग आ रही, यहाँ पे रैंकिंग आ रही थी इसकी और सेकंड आ रही थी इसकी. डिपार्टमेंट बी के अकॉर्डिंग रैंकिंग पहले आ रही है एक्स की, क्योंकि एक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वाई का कम है, तो थर्ड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अब ये सिचुएशन है और एक्स हमारे अनलिमिटेड है, एक्स हम जितनी मर्जी बना सकते हैं. सो अगर इन केस इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग होता कि सबसे पहले रैंकिंग तीनों केसेस में एक्स की आती, तो हम सारे ही एक्स बनाते, वाई बनाते ही नहीं, क्योंकि अगर एक्स का कंट्रीब्यूशन वाई से ज़्यादा है हर केस में और एक्स की अनलिमिटेड डिमांड है, तो जितने भी हमारे पास आवर्स अवेलेबल हैं हम एक्स के यूनिट्स ही बनाएंगे. बट पॉइंट ये है कि हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंकिंग आ रही है, दैट मीन्स देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. हमने चलो मैं अपने तरीके से कराता हूँ, एक्चुअली मैं अपने दिमाग अपने अकॉर्डिंग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट इज़ अगर मैं इनके अकॉर्डिंग करूँगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तुम यहाँ जब मैं करूँगा सॉल्व तुम्हें तब धीरे धीरे समझ आएगा. तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि लेट जो नंबर ऑफ यूनिट जो हमें एक्स के बनाने हैं दैट लेट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ हमने पढ़ा होगा ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो पहले डिपार्टमेंट से क्या बना, 8x प्लस 10y इज लेस दैन इक्वल टू 11,000, यही बनेगा. लेस दैन इक्वल टू क्यों, क्योंकि 11,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते, या तो 11,000 जितने आवर्स यूज हो सकते हैं या उससे कम. देन 4x प्लस 10y इज लेस दैन इक्वल टू 9,000, और 12x प्लस 6y इज लेस दैन इक्वल टू 12,000, ठीक है. ये हमने तीन इक्वेशंस बना ली हर डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी. देयर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स, एक्स की कोई अनलिमिटेड डिमांड है. प्रोडक्ट वाई की लिमिटेड टू 600, दैट मीन्स वाई कैन नॉट बी मोर देन इक्वल टू, वाई कैन वी विल बी लेस देन इक्वल टू 600, या तो 600 होगा या 600 से कम, लेकिन 600 से ज़्यादा नहीं हो सकता. और एक्स और वाई कैन बी लेस देन मोर देन इक्वल टू 0, सॉरी मोर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा उससे कम नहीं हो सकते. सो एक्स कॉमा वाई आर मोर देन इक्वल टू 0, दैट मीन 0 से ज़्यादा ही होंगे या 0 होंगे. और y जो है विल बी लेस दैन इक्वल टू 600, 600 से ज़्यादा यूनिट्स हम नहीं बना सकते, या तो 600 बनेंगे या 600 से कम. ये मैंने अपनी इक्वेशंस बना ली. अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ का मैं आंसर कैसे निकालूंगा, आई विल मेक अ ग्राफ. अब ग्राफ बनाने के लिए इन लाइन से हाउ कैन आई मेक अ ग्राफ. तो सबसे पहले जैसे ग्राफ में हमें पता है कि एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस. तो जैसे ये मेरा ग्राफ है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. अब पॉइंट ये है मैं कैसे प्लॉट करूं एक्स में क्या होगा वाई में क्या होगा इस लाइन से. सो कैसे कर सकते हैं ये ग्राफ में अभी आगे बताऊंगा. तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का लेट एक्स बी 0, अगर या फिर इफ एक्स इज 0. अगर एक्स हमारा 0 है तो वाई कितना होगा,
therefore y will be 11,000 divided by 10, that means 1100. अगर x 0 है तो y 1100 होगा, और if y is 0, अब अगर मैं y को 0 करता हूँ तो 8x is equal to 11,000, so x क्या होगा मेरा 11,000 divided by 8, That is 1375. अगर मैं ग्राफ में इस चीज़ को डालता हूँ तो अगर x को मैं 0 मानता हूँ तो y होगा 11,000, और अगर y को 0 मानता हूँ तो x होगा 1375. अब इस चीज़ को मैं ग्राफ में कैसे शो कर सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना. सो मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज x, दिस इज y. अब यहाँ पे टोटल यूनिट्स मैं 2000 ले लेता हूँ. सो 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अच्छा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा. मैं 200 का गैप ले लेता हूँ. चलो लेट मी टेक अ गैप ऑफ 200. सो 200, 400, 600, 800, 1000. तो ये मेरा हो गया 2000 तक. थोड़ा सा लाइंस की प्रॉब्लम है बट समझने की बात है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो ये है 200, 400, और ऐसे करते करते ये हो गया 2000. सेम वे यहाँ पे भी 200, 400, और ऐसे करते 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 हो गया 2000. घबराओ मत, मैं पूरा क्वेश्चन ग्राफ बना के नहीं करा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक लाइन को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है वो बता रहा हूँ. तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने बनाया था इफ़ x इज़ 0, जो मेरा डिपार्टमेंट ए है, y इज़ 1100. मतलब अगर x 0 है, 4, 6, 8, 10,000, तो y इज़ 1100. एक पॉइंट मुझे ये मिल गया. इफ़ x इज़ 0 देन y इज़ 1100. इफ़ y इज़ 0 देन x इज़ 1375. अब y इज़ 0 तो x इज़ 1375, 6, 8, 10, 12, 14, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आएगा. तो ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई. दिस इज़ माई टू इक्वेशंस, और टू पॉइंट्स बन गए, और इस पॉइंट से मैंने अपना ग्राफ बना लिया. सो ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट ए. तो ये डिपार्टमेंट ए की इक्वेशन आ गई. तो डिपार्टमेंट ए जो मेरी थी उसकी लाइन ऐसे आ गई. ऐसी मैं तीनों डिपार्टमेंट्स की लाइन बना लूँगा. इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी. इसके बाद y कैन बी लेस देन इक्वल टू 600. तो दैट मीन्स जो y है 600, इससे ज़्यादा y नहीं बन सकता. दैट मीन्स इससे ज़्यादा y नहीं बन सकता. दिस इज 600, y या तो इतना होगा या इससे कम. दैट मीन्स इससे ज़्यादा y नहीं बन सकता. तो इस तरह से आई प्लॉट दिस थिंग ऑन अ ग्राफ. तो तुम्हें भी एग्ज़ाम में जब होता है तो ग्राफ में ऐसे ही चीज़ें प्लॉट करनी है. तो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं तुम्हें सीधा ग्राफ दिखाता हूँ. अब देखो, इन्होंने ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ इन्होंने बनाया है. तो मेरी डिपार्टमेंट ए वाली जो लाइन थी वो देखो, इनकी डिपार्टमेंट ए वाली लाइन ऐसे आई है, ये रही, दिस इज़ डिपार्टमेंट ए, ये देखो. ठीक है, तो इन्होंने जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, इन्होंने पूरा ग्राफ अपना ऐसे बना लिया. तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए. तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया है दैट इज़ लाइक दिस, ये इन्होंने पूरा ग्राफ बनाया है. तो इस ग्राफ में इन्होंने डिपार्टमेंट सी, दिस इज़ डिपार्टमेंट सी, दिस इज़ डिपार्टमेंट, एक सेकेंड, ये छोटा 10. सो दिस इज़ माय डिपार्टमेंट सी, दिस इज़ माय डिपार्टमेंट ए, दिस इज़ माय डिपार्टमेंट बी. तो इन्होंने तीनों डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, तीनों डिपार्टमेंट्स की लाइन बना दी. तीनों की जो इक्वेशन थी उसे लाइन बना दी, और एक ही लाइन बना दी. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब तुम कहोगे सर ग्राफ तो बना दिया, इस ग्राफ का फ़ायदा क्या है? अब इस ग्राफ का फ़ायदा ये है, पॉइंट शुरू होता है. ये तीन लाइंस मेरी तीनों डिपार्टमेंट की, और ये मैंने वाई का बना दिया. ISO कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन जो लिखी हुई है, अभी के लिए यू कैन जस्ट स्किप दिस लाइन, अभी के लिए इसको नहीं देखना हमें क्या है. मैं तुम्हें देखो लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखना कि हाउ कैन वी यूज़ दिस ग्राफ नाउ. अब सबसे पहली चीज़, हमें क्या पता था
कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो क्वेश्चन में था x का था 4, y का था 8, मतलब x हमें कमा के दे रहा है कंट्रीब्यूशन $4 और y हमें कमा के दे रहा है $8। तो अगर मैं रफली तुम्हें देख के बताऊं, सो इट मींस सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स हमें y के बनाने पड़े, तो इनका सॉल्यूशन अभी मत देखो, लॉजिक सबसे पहली रैंकिंग हमारी होगी y की, देन सेकंड होगी x की, क्योंकि तीनों के हिसाब से तो रैंकिंग कोई बन नहीं रही, तो लॉजिकल रैंकिंग जो मेरी आ रही है y की आ रही है 1, x की आ रही है 2। अब दूसरी बात गाइस, हमें जो यूनिट्स बनाने हैं हर डिपार्टमेंट में, मैंने तुम्हें क्या बताया था, हर डिपार्टमेंट का लिमिटिंग फैक्टर है और यूनिट्स जो हैं वो तीनों डिपार्टमेंट से होके निकलेंगे, तो इस डिपार्टमेंट में टू है 2000, बट 2000 ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट y बन सकते हैं 1100, ये कभी नहीं बन सकते। ये कह रहा है डिपार्टमेंट b के y बनेंगे 900, ये तो कभी नहीं बन सकते क्योंकि y मैक्सिमम बन सकते हैं 600। सो दैट मींस हमारी एक और दूसरी बात गाइस, एक और चीज, इंटरसेक्शन एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये तीन इंटरसेक्शन आ रहे हैं। अब एक चीज, अगर मैं इस इंटरसेक्शन पे जितने यूनिट्स हैं उतने बनाता हूँ, जैसे y इतने और x इतने बनाता हूँ, तो गड़बड़ क्या होगी, इस डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट b से तो बन जाएंगे बट डिपार्टमेंट a में प्रोसेस ही नहीं होंगे, डिपार्टमेंट a में तो प्रोसेस ही नहीं हो सकते वो। अगर मैं यहाँ से y, तो देखो 600 बन जाएंगे लेकिन x बनेंगे मेरे इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू मेरी नियर बाय यहाँ आ रही है 80, सोचो 850, लेकिन डिपार्टमेंट ये जो एक ही लाइन है इसमें तो 850 यूनिट्स अगर बनेंगे तो y कम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो एरिया होगा, ध्यान से देखना गाइस, हमारा जो एरिया है, जो यूनिट्स हम बना सकते हैं जो तीनों डिपार्टमेंट से होके गुजर सकता है, दैट विल बी दिस मच एरिया ओनली। हम सिर्फ इतने ही एरिया में यूनिट्स बना सकते हैं क्योंकि यही वो एरिया है जो तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है, सारा जो प्रोडक्ट है वो इससे तीनों डिपार्टमेंट से निकलना है। सो दिस इज द एरिया जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक पॉइंट ये है, एक तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ, एक पॉइंट मेरा आ रहा है ये, एक पॉइंट मेरा आ रहा है ये, एक पॉइंट मेरा आ रहा है ये और एक पॉइंट मेरा आ रहा है ये, ये चार पॉइंट्स आ रहे हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि मैं मैक्सिमम बनाऊँ एक्स और वाई बनाऊँ ही नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि y में हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो y तो पहले प्रेफरेंस मेरी होगी, तो ठीक है हम y 600 बना लेते हैं, x कुछ भी नहीं। बट अगर हम इस एरिया में देखें, इन चारों पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ सकती है, तो हमें देखना है y का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है तो मैक्सिमम यूनिट्स y के यहाँ बन रहे 600 और x के यूनिट यहाँ पे बनेंगे इतने। सो दिस विल बी आवर पॉइंट जहाँ पे हमारे मैक्सिमम बन रहे हैं y और बाकी बन रहे हैं x। तो देखो ये आ रहा है अराउंड यहाँ पे, तो दिस विल बी 675, ये पॉइंट आ रहा है अराउंड यहाँ, लेट्स से ये आ रहा है ऐसे, जस्ट से ऐसे। सो दैट मीन्स y के ज़्यादा लूज करके हम x के कम बना रहे हैं। क्या समझ आया इसे, y के ज़्यादा लूज करके हम x के कम बना रहे हैं, दैट मीन्स हम x का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो हमें तो y को ज़्यादा बनाना है x को कम, और ज़्यादा y लूज़ कर रहे हैं मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन लूज करके हम कम कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। तो दिस इक्वेशन, दिस लाइन विल नॉट वर्क। सो हम ये देखेंगे कि हमें y सबसे ज़्यादा बनाने हैं और इस एरिया में y के साथ यही एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे टॉप मैक्सिमम y बन रहे हैं और उसके बाद x बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, y मेरे बन रहे हैं 600 और x मेरे यहाँ से आ रहे हैं 675। तो दिस इज़ हाउ आई हैव टू मेक अ ग्राफ। इस तरह से मुझे ग्राफ में से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है गाइस, ध्यान देना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है समझने का, ये लॉजिकल पॉइंट है। इससे समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बनाता हूं इस एरिया में, इन दोनों को छोड़ के
इस एरिया में कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है ये, एक पॉइंट आ रहा है ये, दिस लेट्स से दिस इज ए और दिस इज बी, ए पॉइंट आ रहा है बी पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट में अगर मैं, चलो इन दोनों में से हम करते हैं काम करते हैं, चलो चेक करते हैं, ए पॉइंट में 600 बन रहे हैं वाई के और 675 बन रहे हैं एक्स के, तो 600 इंटू वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन है 8, एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 4, तो 8 इंटू 600 दैट मीन्स 4800 कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा यहाँ से आएगा और 675 इंटू 4 दैट मीन्स 2700 कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा, सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा हो गया 4800, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 625 है, सॉरी गाइस ये वैल्यू, मैं सॉल्यूशन से देखा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ 625 into 4 दैट मीन्स 2500, सो दैट मीन्स 7300, ये आएगा मेरा मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूँ तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन कम आएगा, क्योंकि y मेरा देखो y कितना लूज हो रहा है, इतना लूज हो रहा है, और x कितने बन रहे हैं ज़रा से, दैट मीन्स x में कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, x मेरे को कम पैसे कमा के दे रहा है, तो ज़रा से x के यूनिट्स के लिए मैं y के इतने यूनिट्स लूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कम आएगा, समझ रहे हो ना। y हमें तो कोशिश करनी है कि y ज़्यादा बने x कम, दैट मीन्स a इज द बेस्ट एंड इसके अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर निकालूंगा। तो समझना है इसी चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं। अब तुम देखो इतनी सारी चीज़ें थी, इतने लिमिटिंग फैक्टर्स थे, हमने अपने दिमाग से कैसे आंसर निकाला, जो कि एक आम बंदा नहीं निकाल सकता। आम बंदा तो यहीं फंस जाएगा कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इट्स अ गुड पॉइंट, प्रैक्टिकली अगर तुम्हें कोई ये चीज़ बोलता है तो हाउ वुड वी नो कि मैक्सिमम कितने बनाओ, तो ऑब्वियसली। अब सबसे बड़ी बात क्या, तुम बोलोगे सर एक्स के अनलिमिटेड बना लो, भाई ये भी अवेलेबल है, ये हम सारे के सारे एक्स में नहीं यूज़ कर सकते, और कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वाई का ज़्यादा है, अगर एक्स का ज़्यादा होता तो मैं एक्स ही बनाता ऑफकोर्स, वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एक्स अनलिमिटेड है, तो कैसे करें। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने ग्राफ से देखा कि इस टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा ओरिजिन से सबसे दूर वाई का कौन सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ ए, सबसे ज़्यादा दूर वाई का पॉइंट ए आ रहा है, सो आई विल मेक यूनिट्स एट ए। यही इन्होंने लिखा हुआ है कि हम क्या देखेंगे, लुक एट द स्लोप ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन एंड यूजिंग अ रूलर आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई विद इन द फिजिबल एरिया फॉर कॉन्स्ट्रेंट्स इज फर्देस्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, मतलब ग्राफ में ओरिजिन से फर्देस्ट अवे हमारा कौन सा एरिया आ रहा है, दैट इज ए एंड बी, ये दोनों सबसे एरिया हमारे फर्देस्ट आ रहे हैं, इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा बनाना पड़ेगा, उसके लिए वी हैव टू लुक एट कॉन्ट्रीब्यूशन कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वाई का ज़्यादा है तो वाई ज़्यादा बनाएंगे, तो वाई का ये वाला ज़्यादा आ रहा है, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आवर आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझना, समझ के इसका आंसर करना है, दिमाग भी लगेगा और तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स भी लगेंगे, यहाँ दिमाग भी लगेगा, ये देखो दिमाग भी लग रहा है हमारा। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तुम्हें लॉजिक तो करा दिया था कि लॉजिक सी कैसे आया, बट इन्होंने ये आईएसओ क्या बनाया है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये चीज़ बताई नहीं, चलो मैं आप बता रहा हूँ, ये राज की बात है, और मतलब मैं तो हमेशा आंसर टेक्निकली लॉजिकली निकालूंगा, इन्होंने लॉजिक्स को भी और थोड़ा मैथ्स पे बना दिया कि अगर तुम्हें दिमाग यूज़ ही नहीं करना, लेट्स से अगर सॉफ्टवेयर से आंसर निकालना है, यहाँ पे तुम अपने लॉजिक से आंसर निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर से आंसर निकालना है, मतलब सॉफ्टवेयर में तुम्हें एज इट इज़ वैल्यूज़ डालनी है, दिस इज़ अ गुड थिंग कि अगर तुम सॉफ्टवेयर में वैल्यूज़ डाल के अपना आंसर निकाल सकते हो, तो हाउ कैन यू डू इट, ध्यान से देखो हमें पता है y का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 है, 4 है, का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 है, x का 4 है, दैट मीन्स एक यूनिट ऑफ y अगर हम बनाते हैं तो उसको मैच करने के लिए हमें दो यूनिट ऑफ x बनाने पड़ेंगे, एक यूनिट ऑफ y अगर हम बनाते हैं तो हमें दो यूनिट ऑफ x बनाने पड़ेंगे,
लॉजिक है ना, तभी तो कॉन्ट्रीब्यूशन मैच करेगा। इन्होंने कैसे निकाले ये चीज़, किस तरह से कैलकुलेट किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या करा है, वैसे ही अज्यूम किया है कि एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है इतना, वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये आ गया। तो इन्होंने ग्राफ में ऐसे वैल्यू निकाल ली कि अगर एक्स जीरो है तो वाई इतना होगा, वाई जीरो है तो एक्स इतना होगा। इन्होंने वैसे ही रैंडम फिगर, कुछ भी रैंडम फिगर, कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, जिसमें एक्स का इतना है, वाई का इतना है। मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक क्या लगाया, मैंने ये बताया कि एक यूनिट को ऑफ एक्स को बनाने के लिए हमें वाई के दो यूनिट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसकी अगर मैं तुम्हारे को इक्वेशन बताऊं कि इन्होंने इक्वेशन कैसे बनाई होगी, जो मेरे अकॉर्डिंग है, मैं इनकी इक्वेशन नहीं देख रहा, अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे एक्स का और वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स फोर और वाई एट, दैट मीन्स फोर इंटू टू करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू एट। दैट मीन्स एक्स के टू यूनिट बना के वाई का एक यूनिट बनेगा। मुझे अगर इन दोनों इक्वेशन को कॉमन करना है, एक कॉमन पॉइंट पे लाना है, तो वाई इंटू फोर इंटू टू करूँगा तो एट, और ये एट इंटू वन, दैट मीन्स एक्स के दो यूनिट बना के वाई का एक यूनिट बनेगा, है ना। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे आईसो में डाल दिया, जितने दूर कर सकते हैं ताकि लाइन बड़ी बने। जैसे एक्स के 800 यूनिट्स बनाएंगे तो हमें वाई के 400 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, इस जगह पे कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। और ज़्यादा आगे भी कर सकते थे कि जैसे एक्स के 1000 यूनिट अगर हम बनाएं तो वाई का 500 का फ़ायदा होगा, दैट मीन्स दिस विल बी द लाइन। एक्स के अगर हम 1000 यूनिट्स बनाएं तो वाई के 500 बनाएंगे तब कंट्रीब्यूशन इक्वल आएगा, दिस इज़ कॉल्ड द आईसो लाइन। अब इन्होंने क्या बोला, ये लाइन बनाने के बाद तुम्हें स्केल से देखना है, एक स्केल से तुम मेजर करोगे, ये इन्होंने ऐसे बताया है, जैसे इसी को कर लेते हैं, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, स्केल से मेजर करोगे कि बी सी डी और ई विच पॉइंट इज सबसे दूर फ्रॉम दिस। तो स्केल से अगर हम देखें, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, और ये यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स सी इज मोस्ट फार फ्रॉम दिस लाइन, तो सी इज द आंसर। मैंने लॉजिकली बताया था, इन्होंने उसको और टेक्निकली बता दिया कि सबसे पहले हम एक आइसो लाइन बनाएंगे। आइसो लाइन मतलब अगर हमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है तो कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है 800 यूनिट अगर मैं एक्स के बनाऊँगा तो 400 यूनिट वाई के बनाने पड़ेंगे, तब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। उसके बाद इस लाइन से जो सबसे दूर हमारा पॉइंट आ रहा है, दैट विल बी दी ऑप्टिमम पॉइंट। ये है आईसो का रोल। और तुम कहोगे सर यहाँ पे आपने ये बताया, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम इसको कैसे करें, तो इसका भी तरीका क्या है, इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है। एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 4, सो दैट मीन्स 4x प्लस 8y, कोई भी रैंडम फिगर ले लो, लेट से 1000 के टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से लेट x बी 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेट y बी 0, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी तुम इस ग्राफ में ड्रॉ करोगे, लेकिन इस ग्राफ में तुम इस बॉक्स के, जो ये वाला हमारा बॉक्स है, इसके अंदर ही कोई वैल्यू ड्रॉ करोगे। ये याद रखना, ये जो आईएसओ लाइन तुम्हें बनानी है, ये लाइन इसी के अंदर बनानी है, हम कोई रैंडम फिगर ले रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर अगर मान लो हमने ये वैल्यू ली और ये लाइन हमारी लेट से यहाँ आ गई तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। अगर ये लाइन यहाँ आ रही है तो इसी के पैरेलल तुम कोई भी लाइन इसके बॉक्स के अंदर लो, तो तुम पैरेलल स्केल से देख लोगे इनके बीच में कितना गैप है, और इसी के पैरेलल कोई भी लाइन तुम इस बॉक्स के अंदर ले लोगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस पॉइंट, अगर तुमने बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से समझना है। तो पहले मैंने तीनों अपनी इक्वेशंस को इस ग्राफ में ड्रॉ कर लिया सारी इक्वेशंस के साथ, उसके बाद आईएसओ कैसे बनाया, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है मैंने उससे भी लाइंस ड्रॉ करी। अब वो लाइन अगर तो इसके अंदर आ रही है, दैट इज़ गुड, अगर कहीं बाहर जा रही है इन सारे पॉइंट्स के, तो इसी के पैरेलल मैंने जो अपने सबसे डिपार्टमेंट्स के कॉमन पॉइंट आ रहे थे उन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने वो लाइन ड्रॉ कर ली। आंसर कौन सा आएगा, जो चीज़ इस लाइन से सबसे ज़्यादा दूर है, दैट विल बी माई सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें लॉजिकली बताया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वाई का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम
एक यूनिट ऑफ वाई सैक्रीफाइस करेंगे तो हमें दो यूनिट ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ तो वाई के ज़्यादा यूनिट सैक्रीफाइस करके हमें कम यूनिट ऑफ एक्स मिल रहे हैं। दिस इज हाउ वी ठीक है, तो मैं कहूँगा इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ यही बताई हुई है सारी जो मैंने तुम्हें अब बताई है, कि पहले इन्होंने रैंडम फिगर ले ली, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर कोई और रैंडम फिगर ले ली, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। तो इन्होंने देखा कि जो भी ये ग्राफ बनता है ये पैरेलल बनता है, तो जो भी हमारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे, जैसे ये कॉमन पॉइंट्स हैं और ये तुम्हारी लाइन्स आ रही हैं, तो इन कॉमन पॉइंट्स हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो इसी के पैरेलल हम एक लाइन बना लेंगे, इनको हटा देंगे। अब इससे कॉमन पॉइंट सबसे जो दूर है दैट इज़ दिस, इट विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ आएगा इस? एक बार दो बार तीन बार इसको देखना समझना, और मैं कहूँगा उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना, मैंने कंप्लीट लिख दिया, इसको कंप्लीट सॉल्व करना पूरा। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग टू आधा है, देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थ्री उसी के आगे वाला पार्ट है, देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर उसी के आगे वाला पार्ट है, ठीक है। सो तुम्हें और ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर फाइव, इसका एक तरह से सॉल्यूशन ही बताया हुआ है। ये तुम्हारा ग्राफ बना था, ये तुम्हारी आईएसओ लाइन थी, तो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा क्यू। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल के सॉल्यूशन से टैली करना कि ग्राफ सही आ रहा है कि नहीं, और तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सही आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया, मैं इस वीडियो को लंबी नहीं बना रहा हूँ। एक सिंपल सा पॉइंट गाइस, ध्यान से सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात है, कि जो मैंने कराया है आज इस वीडियो में, अगर तुम्हें इसमें ज़रा सा भी डाउट है कि सर अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आप प्लीज़ बता दो, तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बट द वांट कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना, आई नो, बट ये लाइन कैसे बनी ये इसमें अगर डाउट है, तो जैसा मैंने अभी बताया वैसे कोशिश करना, अभी भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बट आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें अच्छे से ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को सॉल्व करा है। अब हमें मान लो ये सारी इक्वेशंस क्वेश्चन गिवन है, हम ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाल सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर बना के सारी वैल्यू सॉफ्टवेयर में डाल के उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें बता देगा, एक कहते हैं ना MIS सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वही हमें बता देगा कि सबसे फर्दर मोर पॉइंट सी आर है इंटरेक्शन में, सो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना सकते हो। और एक्चुअली इसके सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, पीपल पे लॉट ऑफ प्राइसेस टू मेक सॉफ्टवेयर लाइक दिस, कंपनी वाले बहुत पैसे देते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के, ठीक है ना। अब तुम्हें जब लॉजिक पता है, यू कैन मेक सॉफ्टवेयर योर सेल्फ ऑल्सो, एक्सेल में भी बन सकता है ये, बट अभी कुछ नहीं करेंगे हम, वैसा कुछ नहीं बनाएंगे, वो बात की बात है। सो दिस इज द लॉजिक गाइस, ठीक है, अच्छे से पढ़ो समझो और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन खुद ट्राई करो, और ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन से भी देख लेना, तुम्हें वहाँ से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।